हेलो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम हमें पता है 14th एंड 15th मार्च को होगा। तो इस एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि इस पेपर में सबसे ज्यादा डोमिनेंस रहता है एलआर सेक्शन का। तो किस तरह से इसको तैयार करना है, अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है, एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, इसके लिए सीटी स्पेशल बैच हमारा आ रहा है। कब से? 13 जनवरी से। 2 मंथ का बैच है, जिसका सोल एंड होल एक ही गोल है कि सीटी में हमें मिशन 150 क्रॉस करना है। तो ये हमारा टारगेट है। एंड इस बैच की क्या डिटेल्स है, इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी की सारी डिस्कस करूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई पैटर्न देखो, हमें पता है लॉजिकल रीजनिंग के 75 क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन एंड वर्बल के 50 क्वेश्चन। अच्छी बात इस एग्जाम की ये है कि 200 मार्क्स का पेपर है एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है, मतलब हमें सारे के सारे क्वेश्चन करके आने हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे क्वांट बहुत कम आता है। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन क्वांट के दिख रहे हैं, बट इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डीआई, डीएस और डीसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, डाटा कंपैरिजन का प्रोपोर्शन ज्यादा रहता है। कोर जो क्वांट्स है उसके भाई ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका क्वांट्स वीक है तो आप इस एग्जाम को बहुत इजीली निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो इसके लिए जो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं क्या चीजों पे फोकस कर रहा हूं, मैं चार चीजों पे फोकस कर रहा हूं। एलआर पे, एआर पे, क्वांट्स जिसमें डीआई डीएस इंक्लूडेड होगा, देन आपका वर्बल सेक्शन। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा और इसमें मैं आपको इस तरह से पढ़ाने वाला हूं। एलआर के जितने भी टॉपिक्स हैं भाई, हर एक टॉपिक का आपके पास बेसिक क्लियर होगा। बेसिक के बाद आपके पास असाइनमेंट होगा, उस असाइनमेंट को आप सॉल्व करोगे, उस असाइनमेंट के बाद आपको उस असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब एवरी मॉर्निंग यू विल रिसीव वन असाइनमेंट फॉर एलआर। आपको भाई एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन के असाइनमेंट मिलेंगे, आपको क्वान का डेली असाइनमेंट मिल रहा है, उसके बाद आपको वर्बल का असाइनमेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेली आपके पास 3 से 4 असाइनमेंट आ रहे हैं। उन असाइनमेंट पे एक एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वो टॉपिक आप देखोगे। अगर आपको टॉपिक का बेसिक ऑलरेडी आता है तो आप भाई सीधा असाइनमेंट सॉल्व करो, वीडियो सॉल्यूशन से अपने आंसर मैच करो। अगर आपको बेसिक नहीं आता, पहले बेसिक देख लो, फिर असाइनमेंट सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देख लो। तो डेली बेसिस पे 3 आवर्स आपको मुझे देने इस बैच के लिए। 2 महीने का बैच चलेगा, हर दिन आपको कॉन्टेंट मिलता रहेगा। अब जब आप सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लोगे तो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 150 मार्क्स लाने हैं। और एग्जाम में हमारे पास 2.5 आवर्स है, 2.5 आवर्स में हमें 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब मेरी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए एंड साथ में क्योंकि मुझे 150 से ऊपर लाने, मेरी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। जब आप हर एक टॉपिक का मेरा असाइनमेंट सॉल्व कर लोगे तो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। अब बची स्पीड की बात, स्पीड इंप्रूव होगी आपकी मॉक टेस्ट से। इसीलिए मैं आपको ऑल ओवर इंडिया के 18 फुल लेंथ मॉक्स दूंगा। 18 मतलब आप हर 2 से 3 दिन में एक मॉक लिख रहे होगे, तो आपकी स्पीड इतनी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी एक्सपोनेंशियल लेवल पे कि जब आप सारे के सारे मॉक्स लिख लोगे उसके बाद यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन कि अब आप सीईटी एग्जाम के लिए तैयार हो। अब आपको इन मॉक का डिटेल एनालिसिस मिलेगा एक एक क्वेश्चन का, और ये सारे के सारे मॉक सीटी पैटर्न पे हैं, बिल्कुल सीटी स्ट्रक्चर पे है जैसा पेपर आता है, ताकि आप बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करो। इसके साथ ही मैं आपको सेक्शनल प्रैक्टिस टेस्ट भी दूंगा, रीजनिंग वगैरह के, वर्बल के, क्वांट के, ताकि आपका टॉपिक वाइज भी स्ट्रांग होता रहे। तो असाइनमेंट सॉल्व कर लिए, वीडियो सॉल्यूशन देख लिए, मॉक्स और सेक्शनल कर लिए, आपकी तैयारी फिनिश हो गई। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो अब आपकी जो डिटेल्स है, 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 12 जनवरी मतलब 2 मंथ्स तक आपका बैच चलेगा। डेली बेसिस पे आपके 3 to 4 असाइनमेंट्स होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। पूरा पूरा एक्शन प्लान आपको मिलेगा, किस दिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या देखना है, कौन सा असाइनमेंट सॉल्व करना है, ताकि दिमाग में क्लैरिटी रहे, स्ट्रक्चर तैयार रहे, प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल मोटिवेशन हाई रहे। हर एक टॉपिक बेसिक से स्टार्ट होगा, सीटी लेवल तक चलेगा एंड जो आपको नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज मिलेगी, ऑल इंडिया रैंकिंग एनालिसिस आपका आएगा एंड हर एक टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएंगे, ताकि आप उसको क्रॉस चेक कर पाओ। पूरे के पूरे बैच का जो फीस स्ट्रक्चर है, दैट इज ₹3500 फॉर ऑल द वीडियोस, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज एंड सेक्शनल मॉक्स। एंड अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है, दैट इज फॉर 950, जिसमें आपको 18 फुल लेंथ मॉक्स और 6 सेक्शनल टेस्ट सारे के सारे मिल जाएंगे। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर दो 9958937705 पर, एंड आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए एग्जाम के बारे में। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स है भाई, 164 मार्क्स पे रैंक 1 आती है, मतलब 99.99 परसेंटाइल। एंड अगर आप 144 के आसपास मार्क्स ले आते हो तो आपको JBIMS में एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि 99.94 के आसपास परसेंटाइल बन जाती है। अगर आपका स्कोर बनता है 130 से 135 के बीच में तो आपकी परसेंटाइल 99.67 के आसपास रहती है, मतलब आप KG सोमाया सिडनम के MMS कोर्स में एंटर
कर सकते हो। अगर आपका स्कोर रहता है 118 से 127 वाले ब्रैकेट में तो आप डालमिया, वेलिंगर, एसआईएस, पुम्बा के एमएमएस कोर्स में एंटर कर सकते हो। अगर आपका स्कोर 110 से 115 के बीच में रहता है देन आपको एमईटीआईएस, चेतना एमएमएस का कोर्स मिल सकता है। उसके बाद 103 से 110 के बीच में आपको एसआईएस और बाकी जो कॉलेजेस है उसका पीजीडीएम कोर्स से कॉल मिल जाएगा। एंड 90 पे आपको अदर जितने कॉलेजेस है वहां से आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट आपको 90 से नीचे, 100 से नीचे नहीं जाना है। आपके माइंड में टारगेट एक ही होना चाहिए, 150 प्लस। तो 150 प्लस के हिसाब से तैयारी करोगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा एंड आप सीईटी को डेफिनेटली क्रैक कर लोगे। मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट देखे, हमारे स्टूडेंट कैट में 60 आए हैं, जेड में 70 आए हैं, स्नैप क्रैक नहीं हुआ, सीमैट क्रैक नहीं हुआ, लेकिन सीईटी में दे स्कोर बाई 99 प्लस। क्योंकि सीईटी का पेपर मार्च में होता है, तब तक सब बच्चे डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं, तो जो सीरियस एस्पिरेंट होता है वो बहुत कम होता है। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना है एंड अपनी तैयारी को 100% चैनलाइज करके इस एग्जाम को क्रैक करना है ताकि इसी साल आप एक अच्छे बी स्कूल में एंटर कर पाओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।